प्रदेश के कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 सशस्त्र फैक्ट्रियों को किया भंडाफोड़। 8 बंदूकें, 11 पौनिया, 315 बोर, 80 तमांचे, 34 कारतूस सहित 22 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अधबने शस्त्र उपकरण बरामद। डीजीपी के दिशा निर्देश में पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ल के आदेश का पालन करते हुए सीओ पटियाली, सीओ सहवार, सीओ सदर कासगंज के निर्देशन में जनपद में 31 की रात्रि पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कोतवाली इंस्पेक्टर राम दीन मान सिंह व सिकंदर वैपुर वैस अमापुर सिरपुर कासगंज के सशस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए कल हमारे डीजीपी महोदय ने एक अभियान चलाया था, इलीगल जो आर्म्स फैक्ट्री चल रही थी या अवैध असलहे थे उनके बारे में अभियान चलाया गया था। इसकी मॉनिटरिंग एडीजी साहब द्वारा की जा रही थी। ये 24 घंटे का अभियान था। इसमें मुझे कहने में काफी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 8 थानों ने कार्रवाई करी है, 2 थानों ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जिनमें 99 बने और 17 अध बने। कुल 116 असलहे रिकवर हुए हैं, जिनमें 8 बंदूकें हैं, 11 पौनियां हैं, 80 तमंचे हैं। इतना 116 ये अवैध असलहे रिकवर किए गए हैं। कुल 21 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। 13 मुकदमे विभिन्न इन अभियुक्तों के खिलाफ कायम किया गया है, जिसमें से आपके करीब 5 भी फरार हैं और 35 कारतूस बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जो है बरामदगी है कह लीजिए अवैध असलहे की। डीजीपी महोदय का हमारे अभियान था। मैं अपने पूरे जनपद के सारे अपने सोच को बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने उनकी बात का तवज्जो देते हुए और तन मन से जुड़ गए थे पूरे 24 घंटे और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। इतने असलहे जो ये खींच के ले आए हैं जन सामान्य के बीच से चल रहे थे, अगर ये रहते मार्केट में तो कितना ये हवा क्रिएट करते इसको आप समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी टीम को मैं 25,000 रुपये का इनाम घोषित करता हूँ कि जो मेरी लिमिट का है, और बहुत अच्छी कार्रवाई की, इसमें सराहना करता हूँ।